बस मेरा पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग का भी जो कारवा है वो मैं करती हूँ। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बिकॉज मेरा पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग का भी जो कारवा है वो मैं करती हूँ। तो वो क्या होता है ना, मिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से मैं मतलब बीच में एग्ज़ाम आ जाता तो फिर एग्ज़ाम पर फोकस करना होता और ब्लॉगिंग छूट जाता है, और इसी की वजह से बीच बीच में कभी गायब हो जाती हूँ मैं, और ब्लॉग भी नहीं आता। और अभी मेरा चैनल भी थोड़ा डेड सा हो गया है, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो फिर से कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ और अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ, और ब्लॉगिंग में कुछ नया नया चीज़ें होगा अब। और आज बहुत मतलब बहुत टाइम से मन कर रहा था कि आज से ब्लॉगिंग करूँ, आज से ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन वही प्रोकास्टिनेशन मैं टालते जा रही थी जिसकी वजह से इतना टाइम हो गया। तो बट कोई नहीं, अब मैं जल्दी शुरुआत मतलब जल्दी क्या, आज से शुरुआत कर रही। अभी लगभग 12:30 बज चुका है, उससे भी ज़्यादा हो गया टाइम। और मैं आजादी मंदिर, मैंने सोचा चलो क्यों नहीं, सावन आने वाला है तो भोले भगवान का मंदिर भी चल जाए, तो भोले बाबा की आशीर्वाद से इस ब्लॉग को आज से फिर से शुरुआत करूँगी मैं। तो अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ इसका मेरे चैनल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आज तो चलती हूँ मैं फ़िलहाल तैयार होने, और दीपू बाबू जा चुके हैं ड्यूटी, और मैं अभी बस ऐसे ही बाल वाल नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ। बस अब जो कपड़े पहन के जाऊँगी मंदिर वो पहनना और फिर जाऊँ। मैं मंदिर पहन के जाने वाली हूँ ये वाली ड्रेस यानी सूट, और ये इसका दुपट्टा जो कि काफ़ी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बट इसको ही लेके जाएंगे। तो चलती हूँ तैयार होने, गर्मियों का मौसम है, एक मिनट भी बाल खुला नहीं रह सकते। वो ब्लॉगिंग के लिए मैंने थोड़ी देर बाल खुला किया था, फिर से फोल्ड कर लिया, और अभी मंदिर जाना है तो बाल देखते हैं क्या करते हैं बालों का। तो चलो फटाक से तैयार होकर फिर से मिलती हूँ मैं आपसे एकदम थोड़ी देर बाद। मैं हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए बिल्कुल तैयार, और मैं सूट पहनने वाली थी, पहन ली, मस्त दुपट्टा भी लगा लिया। इसका दुपट्टा बहुत ही लंबा और चौड़ा दोनों ही है, बहुत ही ज़्यादा, बट फिर भी मैंने पिन अप कर लिया हाफ करके, और अच्छा भी लग रहा। और फिर बहुत टाइम बाद चूड़ियाँ पहनी है, हाँ तो मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ लेकिन दो एक ऐसे ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी गर्मी भी है ना, माला वगैरह पहनने का मन कर रहा, फिर भी एक डाल रखी हूँ मोतियों वाला माला जो कि बहुत पहले ही गुथाया था, और रियल मोती का है ये, तो अच्छा लगता है मुझे, तो ये पहन ली हूँ अभी गर्मी का। और खोपा भी कर लिया बाल में, चूड़ा टाइप का कर ली, और अब चली मैं मंदिर। कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छे से तो मैं दिखा नहीं पा रही खुद को, मैं अकेली ही हूँ तो कैसे दिखाऊँ, बट हाँ जो भी है ये मेरा फाइनल लुक। तो चलते हैं हम मंदिर फटाफट, और इधर भी रूम पे भी पूजा कर दिया, दीपक जला दिया, और इधर मेरा यहाँ पे कोशिश कर रही थी मैं खुद को पूरा दिखाने के लिए, और क्या हुआ अचानक से दुपट्टा फंस गया दूसरे दुपट्टे से, और फिर मैंने उसको छुड़ाया और थोड़ी बहुत अच्छे से अपने आप को शो करने की कोशिश की। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, और बहुत टाइम हो गया, लगभग 1:30 बजे मैं पहुंची हूँ मंदिर, 1:30 क्या उससे ज़्यादा हो रहा होगा शायद, और मंदिर पहुंच गई। और अब मैं एक दो सूट भी करूँगी यहाँ पे, और पूजा भी करना है मुझे। मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, और मंदिर पूरा खाली है क्योंकि टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया, अंकल लोग तो खेल
मेरी पूजा हो गई और अब मैं जा रही मंदिर से बाहर। ये मेरा बाल आगे आ गया और मेरा हेल्प किया इन दोनों ने, छोटे छोटे हैं। कर दे हाय, क्या नाम है बता दे। हाय। इसका इसको सब लोग प्यार से टिंचू बुलाते हैं और इसने ज़्यादा हेल्प करी है मेरी आज फ़ोन पकड़ने में। बहुत सारा मंदिर में हमने वीडियो बनाया और अब चले रूम, चलो घर पे चलो। सो फ्रेंड्स, मंदिर से पूजा करके मैं आ चुकी हूँ रूम और मुझे बहुत जोर का पानी प्यास भी लगा है और मैं पानी निकाल के भी रखी पीने के लिए, पर पिया नहीं। वैसे तो पानी बहुत जोर की प्यास नहीं लगी थी क्योंकि आज सोच छाया भी था। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको मतलब कैसी ब्लॉग मतलब मेरे से एक्सपेक्ट करते हो आप लोग कि और अच्छी बना पाऊँ, तो इसके लिए भी कमेंट करना। सो कीप वॉच माई वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू। और मैं आज कैसी लग रही थी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी लगभग 2 बज गए तो बाय बाय। और मैं चलिए अभी एक दो और रील्स बना रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू।